Assalam-O-Alaikum दोस्तों, this is universe of knowledge और मैं आप लोगों के लिए आज एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने जो छह टेंसेस हम लोगों ने पढ़े थे और छह टेंसेस जो थे वो रह गए थे, तो मैं आज वो छह टेंसेस आप लोगों को बता देता हूँ। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर जो है हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के साथ जो है हैज एंड हैव होता है, सही है, हम हैज एंड हैव सब्जेक्ट के मुताबिक यूज करते हैं, और हैज एंड हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, ठीक है, और थर्ड फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट, ये फॉर्मूला है इसका। और अगर हम एग्जाम्पल में सेंटेंस लें तो फिर ही जो है हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, हैज, ही सिंगुलर है तो ही के बाद हैज आएगा, ठीक है, हैज के बाद गो, ही हैज गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका है, ठीक है, उर्दू इसकी ये होगी, ही हैज गोन टू स्कूल, तो हैज ही के बाद हैज आता है, और हैज के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो गो की थर्ड फॉर्म गोन, और टू डायरेक्शन के लिए, और स्कूल, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारे पास। इसी तरह अगर हम नेगेटिव सेंटेंस देखें, नेगेटिव जिसमें इनकार हो, तो ही हैज नॉट, नॉट यूज किया हम लोगों ने यहाँ पे, ठीक है, नॉट, ही हैज नॉट गोन टू स्कूल, उसी तरह पूरा सेंटेंस सेम का सेम रहेगा, और हैज ही गोन टू स्कूल, इंट्रोगेटिव हमारे पास सवालिया हो गया, ये सवालिया हैज जो है ही से पहले आ जाएगा, और गोन बिल्कुल बाकी सेंटेंस वैसा का वैसा हो जाएगा, तो ये सवालिया बन जाएगा, यू हैव गोन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके हो। अब ये यू के साथ हमने हैव यूज किया है, ठीक है, ये इंग्लिश का रूल है कि आप यू के बाद हैव यूज करेंगे, और यू हैव गोन टू स्कूल, तुम स्कूल जा चुके हो, ठीक है, यू के बाद हैव यूज होता है, और हैव के बाद वैसे का वैसा गोन, बाकी सारा का सारा सेम है, यू हैव नॉट गोन टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जा चुके हो, ये इनकार नेगेटिव हो गया, ये इंट्रोगेटिव हैव यू गोन टू स्कूल, और ये हैव यू नॉट गोन टू स्कूल, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया। तो ये सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, आप लोगों ने इसे नोट कर लेना है ताकि आप लोगों को ये याद रहे। ये आ गया हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी जो गुजर जाएगा पास्ट परफेक्ट, ठीक है, उसका फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सब्जेक्ट। अब हैव्स और हैव की जगह पे हैड आ गया सिर्फ, और कुछ भी इसके अंदर ऐसा हार्ड नहीं है, बाकी सारा का सारा सेम रहेगा, सिर्फ हैड जो है वो पास्ट का सेंस देगा हमें, ही हैड गोन टू स्कूल, यहाँ पे हमने हैड यूज किया था कि पास्ट है, ठीक है, ही हैड गोन टू स्कूल, ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, गोन वर्ब हो गया, और वर्ब गो जो है थर्ड फॉर्म है वर्ब की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई टू डायरेक्शन के लिए, और स्कूल जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, He had not gone to school. वो स्कूल नहीं जा चुका था, ठीक है, He had not gone to school. तो had के बाद not आ गया simply, बाकी sentence बिल्कुल same है, had he gone to school, ये interrogative हो गया, सवाल ये चला गया, ये सवाल, ठीक है, You had gone to school. अगे you के साथ वही एक है, पहले तो has के साथ have था, had के साथ यहाँ पे कुछ भी नहीं है, You had gone to school, ठीक है, बाकी sentence वैसा ही है, You had not gone to school negative हो गया, had you gone to school interrogative हो गया, had पहले चला जाएगा subject से तो ये interrogative हो जाएगा, तो had you not gone to school interrogative negative हो गया, ये इसके अंदर negative भी है और ये interrogative भी है, ठीक है, इसका structure भी बिल्कुल same है, इसे भी आप लोगों ने note कर लेना है, और इसकी practice भी होगी, मैं कुछ सवाल भी आप लोगों को दूंगा ताकि आप practice कर सकें। अब आ गया future perfect tense, subject plus will plus have plus verb की third form plus object, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, बिल्कुल वैसा ही जो है वो सब्जेक्ट हो गया, विल जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया, हैव भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, और हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो हमने यहाँ पे हैव क्यों यूज किया, क्योंकि हमें परफेक्ट का सेंस देना था, परफेक्ट का सेंस देने के लिए हमने यहाँ हैव यूज किया, विल क्यों यूज किया, विल हमने फ्यूचर का, जैसे मैंने बताया था कि फ्यूचर के लिए हम विल यूज करते हैं हमेशा, तो हमें परफेक्ट और फ्यूचर दोनों का सेंस देना था, तो हमें फ्यूचर के लिए यहाँ पे विल लगाया, और परफेक्ट के लिए हम लोगों ने यहाँ हैव लगाया, ठीक है, और हैव के बाद थर्ड फॉर्म आती है वर्ब की, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पे, ही विल हैव गोन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा, ठीक है, यहाँ पे इसको अगर हम नेगेटिव बनाएंगे तो ही विल नॉट हैव गोन टू स्कूल, हैव से पहले नॉट आएगा, क्योंकि हैव तो गोन की जो है हेल्प कर रहा है यहाँ पे, ताकि वो थर्ड फॉर्म आए, परफेक्ट का सेंस दे हमें, इसलिए ही विल नॉट हैव गोन टू स्कूल। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, विल ही हैव गोन टू स्कूल, हैव जो है हम हैव को नहीं छेड़ेंगे, क्योंकि हैव को अगर हम छेड़ेंगे तो फिर यहाँ पे जो वर्ब है
वर्ब की फॉर्म चेंज हो जाएगी या फिर वर्ब का जो सेंस है वही चेंज हो जाएगा। तो हम लोगों ने वर्ब के साथ उसकी मदद करने के लिए यहाँ पे हैव लगाया, तो ये सिर्फ विल जो है ये चेंज होगा। विल ही हैव गॉन टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा चुका होगा, ठीक है, इसका सेंस यू बनेगा। और ये है यू विल हैव गॉन टू स्कूल, यू के साथ भी बिल्कुल सेम टू सेम वैसा ही सेंटेंस बनेगा, क्योंकि हम सिर्फ विल को ही यूज करते हैं। अब अमेरिकन स्टैंडर्ड इंग्लिश के अंदर हम लोग सिर्फ विल को यूज करते हैं, तो यू विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया यू के साथ। ये इंट्रोगेटिव है इसका, विल यू हैव गॉन टू स्कूल, और ये हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल यू नॉट हैव गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो नॉट जो है वो हैव से पहले लगेगा, क्योंकि हैव तो गॉन की हेल्प कर रहा है, ठीक है, इसलिए भी आप नोट कर लें और इसकी अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। ये है प्रैक्टिस, और ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम पीरियड। अब ये है क्या, ठीक है, ये फॉर्मूला है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। अब ये आप लोगों को समझाने के लिए मैं इसे इस तरह से समझाऊंगा कि सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस के अंदर होता है, ठीक है, हम लोगों ने यहाँ हैज हैव क्यों लगाया, हैज हैव हमने इसलिए यूज किया यहाँ क्योंकि हमें परफेक्ट का सेंस देना था, ठीक है, परफेक्ट का सेंस देने के लिए हम लोगों ने यहाँ हैज हैव यूज किया, ठीक है। और कंटिन्यूस में हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, तो हम लोगों ने यहाँ बीन यूज किया, बीन क्यों आया यहाँ, क्योंकि हैज या हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो बी की थर्ड फॉर्म जो है वो बीन है, ठीक है, बी बी ई बी की थर्ड फॉर्म बीन है, ठीक है, हैज हैव बीन। अब बीन जो है ये बी की फॉर्म है ना, तो बी के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, ये हैज ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो हमने बी की थर्ड फॉर्म कर दी, ठीक है, ये बी के बाद फोर्थ फॉर्म आएगी तो हमने वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म यूज करनी है। मैंने यहाँ लिखा है फॉर एफ, ठीक है, फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सेंस प्लस टाइम पीरियड। अब ये फोर या सेंस क्या चीज है, ठीक है, फोर या सेंस, फोर या सेंस हम लोग इसलिए यूज करते हैं, सेंस तब जब हमारे पास कोई कोई सेलेक्टेड टाइम पीरियड हो, जैसे कि हम अगर जैसे यहाँ पर हमारे पास सेंटेंस है, देखें सिंस 2000, अब 2000 अगर हम देखें तो हमारे पास सेंचुरी के अंदर अगर हम वन से स्टार्ट हो, ईयर स्टार्ट होंगे, ठीक है, वन टू थ्री, उसके बाद आएगा 1000, फिर 1912 आएगा, ठीक है, जैसे वर्ल्ड वॉर स्टार्ट, वर्ल्ड वॉर का जो खात्मा हुआ था वो हुआ था 1945 के अंदर, तो 1945 एक ही दफा आएगा, तो अब दोबारा कभी 1945 नहीं आएगा, ठीक है, तो 2000 भी एक ही दफा आएगा, तो टाइम टाइम पीरियड के अंदर जो चीज एक दफा आएगी उसके साथ हम लोग सिंस यूज करेंगे, और जो चीज टाइम पीरियड के अंदर बार बार आएगी, जैसे मंथ्स हो गए, 2 months तो एक साल के अंदर बहुत बार आएंगे, ठीक है, तो जब 12 मंथ्स होते हैं तो 12 मंथ्स के अंदर 2 months तो बहुत बार आएंगे ना, एक टाइम पीरियड के अंदर कितने बार 2 months आ जाएंगे, बहुत बार आ जाएंगे। तो जब भी टाइम पीरियड के अंदर कोई चीज रिपीट हो तो उसके साथ हम लोग फोर यूज करते हैं, और जो चीज रिपीट ना हो, जैसे 2000 अब दोबारा कभी नहीं आएगा, तो फिर ये इसके साथ हम सिंस यूज करते हैं, या फिर मॉर्निंग अगर हम यहाँ पे यूज करते हैं, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, ठीक है, अगर हम यहाँ मॉर्निंग यूज करते हैं तो मॉर्निंग भी अगर आप देखें तो पूरे दिन में एक ही दफा आता है, 24 घंटों में मॉर्निंग कितनी बार आता है, एक ही दफा आता है ना, मॉर्निंग सुबह एक ही दफा होती है ना 24 घंटों में, 24 घंटों के बाद दोबारा मॉर्निंग होती है, तो बिल्कुल इसी तरह 24 घंटे के पीरियड में मॉर्निंग सिर्फ एक दफा होती है। और अगर हम यहाँ पे लिखते हैं कि वो एक घंटे से स्कूल जा रहा है, ठीक है, तो एक तो यहाँ पे आप फोर यूज करते हैं, क्योंकि एक घंटा तो 24 घंटों में बहुत दफा आएगा, सब बात समझ में आ रही होगी, ठीक है, तो ये सेंस है टाइम पीरियड, मतलब कोई भी वक्त जिसे आप बताएंगे तो वो टाइम पीरियड होगा। ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2000, वो 2000 सन से स्कूल जा रहा है, ठीक है। अब हैज बीन गोइंग ये थोड़ा इशू बनाता है, ये आपको तब याद होगा जब आप इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, ही के बाद हमेशा हैज यूज होगा क्योंकि सिंगुलर हैज हमेशा सिंगुलर के साथ यूज होता है, और यहाँ पे बी आना था लेकिन हैज की बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आती है, तो फिर हैज के बाद बीन आ गया, बी की थर्ड फॉर्म आ गई, और बी के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आती है, तो हम लोगों ने गो के साथ फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म लगा दी, गोइंग, ठीक है, गोइंग टू स्कूल सिंस 2000।
अब ये नेगेटिव है सिंपल, हमने फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना है, ठीक है, क्योंकि बी तो गोइंग ही हेल्प कर रहा है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि हैज के बाद नॉट के साथ हमने थर्ड फॉर्म क्यों नहीं लगाई, तो नॉट तो हम लोग को यहाँ पे सिर्फ सेंस देने के लिए कर रहे हैं ना, क्योंकि हमेशा हेल्प की जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद हम लोग नॉट लगा देते हैं, ठीक है, और ये इसकी हेल्प करने के लिए। तो हैज के बाद अब उसकी थर्ड फॉर्म ही आएगी, ये भी आप याद रखिएगा, ही हैज नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2000। अब ये हैज जो है वो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव, सही है, ये इंट्रोगेटिव हो जाएगा, तो सवाल ये हो जाएगा ये। तो अब हम यू के साथ हैव यूज करेंगे, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर पढ़ा, तो उसके अंदर हम लोगों ने यू के साथ हैव यूज किया था, बाकी सेंटेंस बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा, वही सेंस बनेगा इसका भी, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स। अब यहाँ पे हमने 2 मंथ्स की बात की है, तो देखिए मंथ्स तो बहुत दफा आते हैं, 2 मंथ्स भी बहुत दफा आते हैं, अगर हम 12 महीनों में 2 को करें तो आता है 2, 6 या 12, 6 दफा आते हैं 2 मंथ्स, तो मतलब रिपीट होते हैं 2 मंथ्स बार बार, तो हम लोग इसके साथ 4 यूज करेंगे, यू हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स, हैव यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। आप इसे भी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा, ये थोड़ा जो है हार्ड है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, ये इतना जब आपको आ जाएगा ना ये एक दफा, तो ये बहुत ईजी लगता है, आप थोड़ी सी भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपको ये बहुत ज्यादा आसान लगेगा। ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सेंस प्लस टाइम पीरियड, ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, कोई इसके अंदर चेंज नहीं है, बस हम लोगों ने यहाँ पास्ट के साथ जो है हैड यूज कर दिया है, क्योंकि हैड जो है वो पास्ट का सेंस देता है हमेशा, ठीक है, तो बिल्कुल वैसे ही सब्जेक्ट आ गया, हैड हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, बीन आ गया क्योंकि हैड के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई, तो बी के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी, तो गोइंग आ गया, गो की फोर्थ फॉर्म, टू स्कूल सिंस 2000, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही होगा ये भी, वो 2000 से वो दो सन 2000 से स्कूल जा रहा था, ठीक है, इसका सेंस ऐसे बनेगा, ही हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2000, ये नेगेटिव हो गया, वो सन 2000 से स्कूल नहीं जा रहा था, ठीक हैड ही बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 2000, ये सवालिया हो गया, इंट्रोगेटिव हो गया। अब यू के साथ जैसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में सीखा था कि हैड सिर्फ एक जो हम पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं तो हमारे पास सिर्फ एक हैड हेल्पिंग वर्ब होता है, तो हम लोग सिर्फ यू के साथ भी हैड ही यूज करेंगे, ठीक है, तो यू हैड नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया यू के साथ, और ये इंट्रोगेटिव हो गया हैड यू बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, और ये हमारे पास जो हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो गया, ये हैड यू नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, ये भी आप लोगों ने अच्छे से प्रैक्टिस करना है, सेंस आपका क्लियर हो जाना चाहिए, आप फॉर्मूले को देखकर अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके लिए बहुत आसान होगा, अगर आप बिना फॉर्मूले के करेंगे तो आपको याद ही नहीं होगा कि आप कर क्या रहे हैं, तो आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा वो, तो आप इस फॉर्मूले को लिख कर इसकी प्रैक्टिस कीजिए बार बार। अब आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसके अंदर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या सिंस प्लस टाइम पीरियड। अब ये तो फॉर्मूला बहुत बड़ा है, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब मैं जब आपको समझाऊंगा तो ये बहुत आसान हो जाएगा। देखिए बिल्कुल वैसे कह रहे थे, सब्जेक्ट हमने यहाँ पे यूज किया, ठीक है, हम लोगों ने विल का सेंस देने के लिए, फ्यूचर का सेंस देने के लिए विल को यूज किया, ठीक है, परफेक्ट का सेंस देने के लिए हम लोगों ने हैव का यूज किया, और कंटिन्यूस का सेंस देने के लिए हम लोगों ने बी का यूज किया, और वर्ब के साथ हमेशा फोर्थ फॉर्म लगेगी बी के बाद, ठीक है, बाकी सेंटेंस वैसे ही है, ठीक है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं, ही हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, विल हम लोगों ने यहाँ पे फ्यूचर का सेंस देने के लिए किया, और हैव हमारे पास जो है परफेक्ट का सेंस देने के लिए हुआ, और बीन हमारे पास कंटिन्यूस का सेंस देने के लिए हुआ, ठीक है, और वेटिंग वेट करना था, ठीक है, इसके लिए मैंने सेंटेंस थोड़ा चेंज कर दिया ताकि मैं आपको फ्यूचर का सेंस दे सकूं, ठीक है, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होगा, ठीक है, होगा होगा क्योंकि फ्यूचर की बात है ना, तो इसके अंदर हम होगा यूज करेंगे, ही विल हैव बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग। अब सुबह सुबह तो एक ही दफा आएगी ना 24 घंटों में, तो हम लोगों ने इसके साथ सिंस यूज किया, अगर हम घंटों की बात करते तो फिर हम लोग इसके साथ फोर यूज करते, तो ही विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, विल के बाद हमें फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ गया, बाकी सेंस बिल्कुल वैसा ही,
हैव बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। हैव बिल्कुल वैसे ही परफेक्ट का सेंस, बीन जो है कंटिन्यूस का। हैव क्यों आया, हैव इसलिए आया क्योंकि हैव जो है ना वो प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रॉपर होता है, ठीक है। हम यहाँ पे हैज यूज नहीं कर सकते, ये प्रॉपर हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोगों ने यहाँ पे इसे हैव यूज किया है, ठीक है। ही विल हैव बीन, हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन हो गई, ठीक है। वेटिंग, अब वेटिंग आईएनजी जो है बी के बाद हमेशा फोर्थ फॉर्म आएगी, तो वेट की आईएनजी फॉर्म हो गई वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। विल ही हैव बीन वेटिंग फॉर हिज फ्रेंड सिंस मॉर्निंग, अब ये हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। क्या वो सुबह से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा होगा, इसका सेंस ऐसे बनेगा। तो जो है हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले चला जाएगा, बाकी तो सेंटेंस बिल्कुल सेम, कोई इसके अंदर हार्ड नहीं होना चाहिए, आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने आप लोगों को सब कुछ डिफाइन कर दिया है, ये जो 12 टेंसेज हैं मैंने आप लोगों को बता दिए, आप लोगों ने अब करना क्या है, ठीक है। मैं अब आप लोगों को बताता हूँ, आप लोगों ने करना ये है, मैंने जितने भी टेंसेज आपको पढ़ा है, 12 टेंस मैंने आपको पढ़ा है, आपने इन 12 टेंसेज की अच्छे से तैयारी करनी है। और मैं अभी बहुत जल्द जो है आप लोगों को PMA 143 का एक सैम्पल पेपर भी दूंगा, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि वहां पे पेपर या टेस्ट किस तरीके का आने वाला है, ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, ये तकरीबन शायद फ्राइडे तक मैं आप लोगों को सैंपल पेपर दे दूंगा, ताकि आप उसका उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और आपको अंदाजा हो जाए एक दफा क्या कि वहां पेपर आने किस तरह का वाला है। कोई मसला नहीं है अगर आप लोगों को सवालात नहीं आते, अगर आपको नहीं आते तो ये आप लोगों मुझसे पूछें, मैं आपको बताता हूँ उनके जवाब। और अगर कोई IQ का सवाल आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट्स पे पूछिए, तो आपको मैं जवाब ज़रूर दूंगा, और उससे फिर अपनी आने वाली वीडियोस में कुछ को एक्सप्लेन भी करूंगा। जब आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे तो फिर मैं उसे एक्सप्लेन भी करूंगा, ठीक है। और अब इम्पोर्टेंट नोट, बिल्कुल वैसे ही आप मुझसे कमेंट्स में सवालात पूछेंगे और आने वाली वीडियोस के लिए मुझे सजेशंस देंगे, ठीक है। मैं नोट्स दूंगा अगर आप लोग मुझसे मांगेंगे, ठीक है। मैं क्योंकि मैं सब कुछ डिफाइन करने वाला हूँ यहाँ पे, तो नोट्स की तो मुझे लगता नहीं है कि ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप लोगों को ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि PMA 143 की तो तैयारी आप लोगों ने बहुत अच्छे से करनी है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, मेरी हर वीडियो देखने वाला जो है, मुझे इनिशियल के अंदर पास चाहिए, आप लोगों को पास होना होगा, ठीक है। आप लोगों ने मुझसे हेल्प मांगनी है, मैं आप लोगों की हेल्प करूंगा, आप लोगों ने मेरी हेल्प करनी है, मुझे किस तरह से आप लोगों को बताना है, अगर मैं कहीं पे गलती कर रहा हूँ तो आप लोगों ने मुझे बताना है, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोग मेरे आने वाली वीडियोस से बाखबर रहें, और इस चैनल को प्लीज़ शेयर करें, ताकि हम सबको जो है सबकी हेल्प कर सकें, सबको पता चल सके कि ISSB क्या है। ISSB कोई इतनी हार्ड चीज़ नहीं है, जब मैं आप लोगों को पढ़ाने शुरू करूँगा तो आप लोग बोलोगे कि ये क्या आसान चीज़ है, ये तो हमें पता थी, ये इस टाइप की चीज़ें, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा, और लास्ट में पाकिस्तान जिंदाबाद।